हेलो फ्रेंड्स आज हम इस वीडियो में डिस्कस कर करेंगे एल्गल न्यूट्रिशन के बारे में ठीक है तो ऑलमोस्ट ऑल जो एल्गीज़ है वो फोटो है तो फोटो मतलब क्या है फोटोट्रोपिक मीन्स दे कैन परफॉर्म फोटो सिंथेसिस और दे कैन प्रोड्यूस देयर ओन फ्रूड बाय फोटो सिंथेसिस फोटो सिंथेसिस के द्वारा वो अपने खुद की जो फूड है वो प्रोड्यूस कर सकते हैं ठीक है तो मोस्ट ऑफ़ द एल्गी जो है वो फोटो ऑटोट्रॉपिक है ठीक है तो जो एक्वाटिक फॉर्म ऑफ एल्गी है मतलब जो एक्वाटिक एनवेंट में जो एल्गी ग्रो करते हैं और हैबिटेट है एक्वाटिक हैबिटेट जिस जिस एल्गी के है वो ऑप्टेन देयर सी ओ टू एंड एच टू बाई डिफ्यूशन एंड ऑस्मोसिस फ्रॉम वाटर एंड प्रोड्यूस देयर ओन कार्बोहाइड्रेट्स तो यह पर क्या बोला बोला जा रहा है तो एक्वाटिक एन्वायरमेंट में मतलब मेरीन वाटर में और फ्रेश वाटर में जितने भी एल्गी होते हैं वो उनके जो सी यू टू एंड एच टू हो वो ऑप्टेन करते हैं फ्रॉम फ्रॉम वाटर बाय डिफ्यूशन एंड ऑस्मोसिस एंड उसके द्वारा वो प्रोड्यूस करते हैं उसके खुद की कार्बोहाइड्रेट वो प्रोड्यूस कर सकते हैं ठीक है और नेक्स्ट जो है वो है एरियल फॉर्म ऑफ एल्गी मतलब जो सॉयल में है और एयर में जितने भी एल्गी होते हैं वो ऑप्टेन करते उनके जो उनके जो रॉ uh, मटेरियल है वो वाटर से दे ऑप्टेन देअर वाटर फ्रॉम द डंप एरिया एंड सी ओ टू फ्रॉम एयर वो वाटर कलेक्ट uh, करते फ्रॉम डंप एरिया एंड सी ओ टू कलेक्ट करते फ्रॉम एयर से एंड देन दे प्रोड्यूस देयर कार्बोहाइड्रेट्स और देयर ओन फूड्स ओके एंड दे ऑल्सो एबल टू सिंथिसाइज ऑयल्स एंड प्रोटीन्स फ्रॉम द कार्बोहाइड्रेट्स कार्बोहाइड्रेट्स से वो लोग उनके खुद के लिए ऑयल्स एंड प्रोटीन्स भी तैयार कर सकते हैं सिंथेसाइज कर सकते हैं ठीक है ठीके? तो नेक्स्ट जो है वो है एल्गल न्यूट्रिशन सो ऑन द बेसिस ऑफ द न्यूट्रिशनल स्ट्रैटेजीज न्यूट्रिशनल स्ट्रैटेजीज के आधार पर एल अल्ग, एल्गी एलगी को चार ग्रुप्स में डिवाइड किया गया एक है ऑब्लिगेट हेट्रोट्रॉपिक एलगी ऑब्लिगेट फोटोट्रॉपिक एलगी फैकल्टेटिव मिक्सोट्रोपिक एलगी एंड ऑब्लिगेट मिक्सोट्रोपिक एलगी तो ये क्या है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे तो ऑब्लिगेट हेटोट्रॉपिक एलगी क्या है तो दे आर प्राइमरि हेटोट्रॉपिक दैट मीन्स वो प्राइमरीली फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते वो खुद की जो फूड्स है वो प्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं ठीक है लेकिन बट आर कैपेबल ऑफ सस्टेनिंग डेम सेल्स बाई फोटोट्रॉपी वेन प्रे कंसेंट्रेशन लिमिट हेट्रोट्रोपिक ग्रोथ जिस टाइम हेट्रोट्रोपिक ग्रोथ कंडीशन इज नॉट फेवरेबल उनके हेट्रोट्रोपिक ग्रोथ कंडीशन और इन्वॉलमेंट फेवर नहीं होते हैं उस टाइम वो फोटोट्रोपिक फोटोट्रोपी भी फोटोट्रोपिक करके और फोटोसिंथिस करके भी सास्टेन कर सकते हैं ठीक है ये है ऑप्लिगेट हेट्रोट्रोपिक Obligate means complete and heterotropic means uh, they cannot produce their own foods. Okay. Next is obligate phototropic algae. Obligate means complete and phototropic means they can produce their foods by themselves from photosynthesis or by photosynthesis. Okay, so their primary mode of nutrition is phototropy, but they can supplement growth by they can supplement

डायरेक्ट फैगोट्रॉपी और फैगोसाइटोसिस के द्वारा और ऑस्मोसिस के द्वारा वो सप्लीमेंट्री जो ग्रोथ एसेंशियल ग्रोथ ग्रोथ के लिए जो एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स है वो कलेक्ट करते हैं डायरेक्टली फ्रॉम बाय हेटरोट्रॉपी ठीक है तो इनके जो प्राइमरी uh, जो न्यूट्रिशन है बेसिकली वो फोटोट्रॉपी है लेकिन जब एडवर्स कंडीशन आते हैं जब लाइट लिमिटेड कंडीशन होते हैं दिस टाइम वो कैन सस्टेन देमसेल्स बाय

प्राइमरी मोड ऑफ न्यूट्रिशन फोटोट्रॉपी है बट फैगोट्रॉपी और फैगोसाइटोसिस और ऑस्मो osmo, ऑस्मोसिस के द्वारा भी एक ग्रोथ एसेंशियल सब्सटेंस जो ग्रोथ के लिए एसेंशियल है वो कलेक्ट कर सकते जै, uh, जैसे कि विटामिन बी ट्वेल्व और फैटी एसिड तो ये पर जो ऑब्लिगेट फोटोट्रॉपिक एल्गी है और ऑब्लिगेट मिक्सोट्रॉपिक एल्गी है ये दोनों में डिफरेंस क्या है तो डिफरेंस यही है ऑब्लिगेट फोटोट्रॉपिक एल्गी जो है ये टोटली डिपेंड करते हैं फोटोट्रोपी के ऊपर मतलब फोटोसिंथेसिस के ऊपर ये टोटली डिपेंड करते हैं लेकिन जब एडवर्स कंडीशन होते हैं तभी ये हेट्रोट्रॉपी और फैगोसाइटोसिस और ऑस्मोसिस करते हैं लेकिन ऑब्लिगेट मिक्सोट्रॉपिक जो है ये न्यूट्रिशन प्राइमरी तो ये फोटोट्रॉपी है मतलब फोटोसिंथेसिस भी करते हैं इसके साथ साथ फोटोट्रोप मतलब फैगोसाइटोसिस और ऑस्मोसिस के द्वारा भी ये सब्सटेंस कलेक्ट करते हैं इसके लिए कोई आ, मतलब लाइट लिमिटिंग कंडीशन और एनी एडवर्स कंडीशन की ज़रूरत नहीं है ए हर टाइम सभी टाइम फोटोट्रोपी से द्वारा फोटोसिंथेसिस के द्वारा भी फूड प्रोड्यूस करते हैं इसके साथ साथ ए फैगोसाइटोसिस और ऑस्मोसिस के द्वारा भी एसेंशियल जो ग्रोथ सप्लीमेंट है वो कलेक्ट करते हैं ठीक है थीके? तो यही है न्यूट्रिशन स्ट्रेटीस ऑफ एल्गी ऑन द बेसिस ऑफ nutrition strategies the alg uh, different types of algal nutrition basis on the uh, based on their nutritional strategies okay thank you for watching this video